अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे तो इस जॉब में मज़ा आ रहा है कि वीडियो बना के आपको मैं गाइड करूं और ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे और ऑडियंस भी आए। ऑर्गेनिक मंजन नहीं बेचूंगा, जो होगा सच होगा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है अभी का, वो टॉपिक ये है फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसर, फ्रीलांस, इस टॉपिक पे सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ लाजमी, और प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की मोटिवेट कर सकूं और जो सच होगा वो मैं कर सकूं, बता सकूं आपको। अच्छा, आज का जो टॉपिक था वो फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर क्या है, क्या करना पड़ता है इसके लिए, उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप सारा समझाता हूं आपको। ठीक है, उर्दू में भी मैं थोड़ा निकाल दूंगा आपको। ठीक है, हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर एंड लैंड योर ड्रीम जॉब, मतलब इसमें ये है कि ये आप कहीं भी बैठे हों, आप घर बैठ के जॉब कर सकते हैं। 9 to 5 वाला काम नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप काम करेंगे तो डॉलर कमाएंगे, डॉलर कमाएंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो अमीर हो जाएंगे आप। ठीक है, मतलब जो जो मैं जिस जिस रिलेटेड में मतलब टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ तो वो उस टॉपिक पे यही है। अर्निंग का रिसोर्सेस बनते हैं और हैं भी, और लोग बताते हैं। ठीक है, अच्छा ये फ्रीलांसर के बारे में है कि फ्रीलांसर क्या चीज़ है। फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग रेफर टू एनी वन वर्किंग इंडिपेंडेंटली रेदर देन कमिटेड टू अ स्पेसिफिक एम्प्लॉयर। कैमरा सही जा रहा ना? बस ठीक है। एम्प्लॉयर हु पेज देम अ कंसिडर कंसिस्टेंट सैलरी ऑफ टाइम टाइम अ फ्रीलांसर चूज टू वर्क फॉर मल्टीपल क्लाइंट एट द सेम टाइम। नाइस, ठीक है ठीक है ठीक है। इन रिसेंट ईयर देयर बीन अ सर्ज ऑफ फुल टाइम फ्रीलांसिंग इन द यूएस, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ फ्रीलांसिंग इन द नेशन टू 57 मिलियन, अब 4 मिलियन से 2014 अपील टू बिकमिंग फ्रीलांसिंग इज ओनली गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ठीक है ठीक है, फ्रीलांसिंग के बारे में मैं आपको और थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आप कुछ भी काम कर सकते हैं, आप खुद पहले डिसाइड करें कि आप सर्विस कौन सी दे सकते हैं। दूसरा, क्रिएट वेबसाइट, वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। फिर का नीच, नीच ये नीच इसको मैं ना आपको मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि इसका क्या मतलब, ये जो ये वर्ड है। मेरे कैमरे को क्या हो रहा भाई, इसको थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं। अच्छा, डिफाइंड योर टारगेट मार्केट, शार्पन योर स्किल, स्किल मतलब कि कोई जो आपके पास स्किल हो या सीख रहे हो या सीखोगे। बिल्ड योर ब्रांड, ब्रांड बना सकते हो आप अपना। ठीक है,
टेक केयर ऑफ योर फाइनेंस, ठीक है, फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रमोट योर सेल्फ, ठीक है ठीक है ठीक है। आप क्या सर्व कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी राइट ना, कॉपी राइट ना हो, ये वही वाला टॉपिक है जो मैं टॉपिक पिछली वीडियोज में मैंने बताए, उस पर मैं आपको डिटेल में और बताता हूँ। ई कॉमर्स हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, कॉपी राइटर हो गया, ये किस में आ रहा है, ये फ्रीलांसिंग में, फ्रीलांसर में आ रहा है कि फ्रीलांसर क्या चीज़ है, फ्रीलांसर में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आप फ्रीलांसर बन सकते हो या आप कर सकते हो। कॉपी राइटर हो गया, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स हो गया, एनालिटिक्स, ठीक है, ई कॉमर्स, ठीक है, फोकस्ड ऑन हेल्पिंग बिजनेस, हेल्पिंग बिजनेस एंड इंटरप्रेन्योर, ये इंटर बोलने में मुश्किल थोड़ी सी हो रही है। वो आर नॉट टेक हेवी, ऑप्टिमाइज देयर ऑनलाइन स्टोर एंड बूस्ट ओवरऑल वेब परफॉर्मेंस। ये भी वेबसाइट पे आ जाता है, ये भी इसका भी मतलब है कि वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट के ज़रिए ही होगा, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यानी स्ट्रेटजिस्ट, ठीक है, SEO, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना वो इसमें वेबसाइट में, ये जो बता रहा है ना, इसमें वेबसाइट बनाने के लिए आपको बहुत से हैं, आपको ये इसके पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये देखें, नीट यार, मैं अच्छा चलो मैं वीडियो नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा ना, उसके अंदर मैं कंप्लीट सारा मैं बताऊंगा आपको। टारगेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो सारी चीज़ें मैंने एक एक करके बताई हैं। चलो मैं थोड़ा सा डिग्री बता दूँ उर्दू में, प्रोमोट कर सकते, ठीक है, ये हो गया टॉपिक ख़त्म। अब आ जाए इस तरफ, थोड़ा कोई चार्ट आपको निकाल के दिखाऊं जिसमें, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ये नहीं, ये अच्छा, ये एक और भी बात है कि ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, या स्किल जितनी है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका वाले लोग कर रहे हैं, USA वाले, कनाडा वाले, मतलब जो भी इन कंट्रियों में बैठा वो सबसे ज़्यादा कर रहा है। US का सबसे ज़्यादा नाम है क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी है, फ्रीलांसिंग ओपन ऑप्शन, मतलब बहुत से रास्ते देता है फ्रीलांसिंग में। आप स्किल आपके पास होना चाहिए, स्किल आप पहले खुद डिसाइड करो कि स्किल क्या आपको करना है, क्या समझ सकते हो, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा इसी वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि क्या चीज़ होती है। ये समझाने में थोड़ा सा आसान होगा, ये थोड़ा सा आसान होगा शायद शायद शायद। घर में बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इस फील्ड में बहुत पैसा है भाई, ये आप उठे, ठीक है, उठने के बाद ब्रेकफास्ट किया आपने, ठीक है, इनबॉक्स वगैरह जो चेक किया आपने, ठीक है, 9:30 बजे आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 10:30 बजे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर लंच का टाइम हो गया, फिर काम का टाइम हो गया, फिर न्यू को क्लाइंट आ गया, जॉब आ गई, ठीक है, जॉब वगैरह ये वो उस बारे में, ठीक है, फिर उसके बाद टेक्स प्रिपरेशन, ठीक है, ये मतलब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
बताता हूँ और बताता हूँ आराम से। मैं कह रहा हूँ मेन मेन पॉइंट है ना, मैं आपको समझा सकूँ। मार्केट प्राइस ये देखो इस टाइम सबसे ऊपर US जा रही है, फिर UK है, उसके बाद ब्राज़ील है, पाकिस्तान भी आ रहा है, यूक्रेन, फिलिपाइन है, हाँ फिलिपाइन, इंडिया, बांग्लादेश, रशिया, सर्बिया, ठीक है यहाँ पर आवाम कम है लेकिन सबसे ज़्यादा अमेरिका में। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, 47% भी पाकिस्तान आ गया है, तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो ये वाला टॉपिक तो हुआ, एक मिनट ये क्या है, आईटी प्रोग्रामिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग, ठीक है ये भी फ्रीलांसिंग में आता है, फाइनेंस मैनेजमेंट ये भी फ्रीलांसिंग में आता है, मार्केटिंग सेल्स ये भी फ्रीलांसिंग में आता है, ट्रांसलेशन एंड राइटिंग ये भी फ्रीलांसिंग में है, एडमिनिस्ट्रेशन कस्टमर सपोर्ट ये भी फ्रीलांसिंग में आता है। एक ही है भाई, एक ही है, मतलब बहुत से बनते हैं। दूसरी तरह बात है, ठीक है जॉब जॉब क्या होनी चाहिए इनके अंदर जो पॉपुलर हैं, तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है मैं आपको वो इसकी भी डिटेल में मैं समझा देता हूँ कि फ्रीलांसिंग के असल कहानी क्या है, क्या चीज़ मुश्किल बनाई हुई है लोगों ने या ऑडियंस को समझ नहीं आती है। इसमें बहुत पैसा है, पैसा बहुत है, कोई शक नहीं इसमें, मेरे काफ़ी दोस्त यार हैं कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं, घर में बैठ कर टका के कमा रहे हैं, कोई शक नहीं पैसा ही पैसा होगा। अच्छा ये है मैंने वेबसाइट है, ये वेबसाइट का मैं बता रहा हूँ खाली के मैं एक समझाने के लिए कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है उसने वेबसाइट बनाई हुई है और इसने अपना ये टाइटल डाला हुआ है फ्री टाइपिंग जॉब एट होम, मतलब घर बैठ के आप काम कर सकते हैं, ये बहुत सी जॉब आई हुई ये कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं 1,000 से लेके 5,000 पर डे। अच्छा 1,000 जो मेरे को समझ आ रहा है 1,000 वेबसाइट पे होता है, बिल्कुल होता है, ये जो 5,000 वाला $5,000 पर डे वाला था ये वो होती है उन वेबसाइट का जो ऑथेंटिक वेरीफाइड हो जाती हैं और जिनकी नीज और ये वो स्ट्रॉन्ग हुई होती है, जो कि मतलब जैसे मैं किसकी मिसाल दूँगी वो ये ना हो कि मेरे गले पड़ जाए। अच्छा वो वेबसाइट पर डे वाला जो 5,000 से ज़्यादा भी कमाता है कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है टाइपिंग जॉब हो गई फ्रीलांसिंग में, डेटा एंट्री हो गई है, अब इसके अंदर है ना ₹10 पर डेटा एंट्री, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा सर मैं इसके अब मेन पॉइंट पे ले आता हूँ आप लोगों को ताकि समझाने में आसानी आएगी। अब ये देखें ना ये फाइवर है, फाइवर पे कैनवा में आपका फ्रीलांसिंग का सारा एंड ये है जो सेल है, ये एक है टॉप रेटेड भी जा रहा है ये इस टाइम, ठीक है क्या करता है ट्रांसलेट इंग्लिश टू स्पेनिश विद परफेक्ट परफेक्ट ग्रामर, ठीक है और ये साहब लेते हैं £49 पर एक ट्रांसलेट का, ठीक है ये है अपना लेवल 2 पे ये, ठीक है आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश टू पुर्तगीज एंड वॉइस वर्सा ये कोई मतलब कि ये मतलब ट्रांसलेट भी कर सकता है और दूसरा वॉइस में भी कर सकता है, मतलब कि ये पुर्तगीज होगा, ठीक है। अब ये देख लो ये इसका है $5 इसका है £15, इसका क्या काम है ट्रांसलेट रशियन टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू रशियन विद परफेक्ट ग्रामर, ग्रामर के साथ ये मतलब के करके अपना ऑर्डर करता है,
ठीक है, इसके ऑर्डर इस टाइम तकरीबन 5,900 के प्लस हो गए, तो बच्चे ने कमाया होगा और कमा भी रहा होगा। ये जैसे ये हो गया, ये टॉप है 15 है, ये 5 है, ये 97 है, इसमें क्या है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश विथ इंग्लिश एंड पुर्तगीज। हाँ ठीक है, अब इसके हाथ में कोई तो बात होगी, इसके काम में कोई ऐसी बात होगी जो ये अमाउंट इसने लिखी है, और खाली ये एक नहीं है और भी है। प्रोफेशनली ट्रांसलेट योर टैक्सेस फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश, मतलब ये इसकी ये काबिलियत है, इसके पास स्किल है। मैं आपको बेसिक ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्किल कोई सीखो, इसके लिए प्रोवाइड है सबटाइटल, ये सबटाइटल बना के देती है, $116 लेती है वीडियो के लिए जो सबटाइटल बना के देती है। ये देखिए ये इस तरह कमा रही है। ठीक है। और क्या मैं समझाऊँ, और मतलब फ्रीलांसिंग ये चीज़ है कि आप खुद मुख्तार हो, ठीक है, आपके पास कोई स्किल है, फॉर एग्जांपल राइटिंग का। अब मैं राइटिंग में बताता हूँ, मैं अपना जरा जैसे मैंने अभी कंप्लीट किया, ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ। ये जैसे मेरे पास ये राइटिंग का इसके एक स्किल है, ठीक है, ये मैंने आर्टिकल बनाया है, आर्टिकल मैं आपको ऐसे चौक कराता हूँ, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये मैंने आर्टिकल बनाया है, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मैंने आर्टिकल बनाया, ये फ्रीलांसिंग है, ये भी फ्रीलांसिंग है, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा ना डीपली मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट आपको समझाऊंगा, शुरू है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो नाराज़ ना होना। तो ये देखो, ये मैंने एक अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले मैं वीडियो बना रहा था, तो इसी बीच में ये पेंडिंग काम रहता था ये की है, तो ये भी फ्रीलांसिंग में है, ठीक है, इसको बैक करो, ठीक है। तो आज का कोर्स, आज का सब्जेक्ट, आज का टॉपिक इधर तक ही है। बाकी किसी ने कुछ सवाल करना हो, कोई पूछना हो तो ज़रूर, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी, और अपने फ्रेंड्स को भी ये फॉरवर्ड करें। मेहरबानी, शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।